अलवर में तूफान ने फिर से तांडव मचाया। अलवर के रैणी क्षेत्र में अचानक आए तूफान ने गांव को एकाएक अपनी चपेट में ले लिया। सुबह करीब 11 बजे आए तूफान ने गांव को लगभग उजाड़ सा दिया। तूफान की वजह से रैणी क्षेत्र में हजारों पेड़ गिर गए। तूफान के कारण 14 वर्षीय बालक आशा राम की मौत हो गई। तूफान की गति इतनी तेज थी कि ईंटों से बना कमरा भी गिर गया। कमरे में बैठे बालक के ऊपर ईंटें गिरने से उसकी मौत हुई। तूफान की गति इतनी तेज थी कि गांव में कई बिजली के पोल भी गिर गए। अचानक आए तूफान से गांव के लोग घबरा गए और छिपने की जगह ढूंढने लगे। गांव में करीब 11 बजे तेज आंधी चलने लगी जो बाद में तूफान में बदल गई। तूफान की वजह से हजारों पक्षियों की भी मौत हो गई। बाजार में कई दुकानों के छज्जे टूट गए। तूफान की गति इतनी तेज थी कि बाजार में खड़ी बाइक भी गिरने लगी। तूफान के बाद क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई और चने के आकार के ओले भी गिरे। करीब 1 घंटे से अधिक चली बारिश के कारण गांव में पानी भर गया। तेज तूफान की वजह से बाजार में लगे होर्डिंग टूट गए। तेज तूफान आने से 14 वर्षीय छात्र आसाराम की मौत हो गई। तूफान की वजह से दीवार गिर जाने से बालक के नीचे दबने से मौत हो गई। बालक का शव पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। वहीं 2 जने घायल हो गए। अलवर के रैणी गांव में तूफान ने तबाही मचा दी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रैणी क्षेत्र के समीपवर्ती गांव में तेज गर्मी रही। तूफान और बारिश ने केवल रैणी क्षेत्र में ही कहर बरपाया। आसपास के गांवों में तूफान का बिल्कुल प्रभाव नहीं देखा गया। Okay.